हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है हमारी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो सबसे पहले आज है होली का दिन। सबसे पहले मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को, आपके पूरे परिवार को, हमारे पूरे यूट्यूब परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और कैसी चल रही है शहरों में होली, कैसा माहौल बना हुआ है, आप हमें कमेंट में शेयर करिएगा। तो ब्लॉग शुरू करते हैं, दिन शुरू करते हैं। बहुत कुछ होने वाला है दिन में भी। काम की तो आज छुट्टी है, घर ही पे हैं, हमारे गाँव में भी होली है नहीं आज। और बैक साइड में देखिए, चिड़ियों की चहचहाट सुबह से शुरू हो चुकी है, पहाड़ों में दिन शुरू हो चुका है, धूप आ चुकी है, काफ़ी हल्की धूप आई हुई है। तो बैकग्राउंड में चिड़ियों की चहचहाट कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। यही रौनक होती हैं, यही माहौल होता है पहाड़ों का, मज़ा ही आ जाता है, एकदम नेचर हमें फ़ील होता है। तो वही सब मैं आपको फ़ील कराना चाह रहा हूँ, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग शुरू करते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार आड़ू के पेड़ों में जो फूल आए हैं काफी खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि बर्फ भी काफ़ी बढ़िया गिरी इस बार, बारिश भी काफ़ी बढ़िया हुई, तो फूल काफ़ी बढ़िया आए हैं और फल भी अच्छा होगा इस बार। तो दोस्तों, फाइनली सुबह का टाइम है, हम लोग घर से निकल चुके हैं दूध डेयरी के लिए, साथ में दूध की बाल्टी पकड़ी हुई है। अब देखते हैं, देश भर में तो होली की छुट्टी है, पता नहीं दूध की डेयरी खुली है नहीं खुली है, हमें कोई पता है नहीं, फिर भी हम जा रहे हैं। साथ में चल रहा है हरीश भाई। तो भाई क्या बोलना चाहोगे दर्शकों को? भाई आपको सभी को हैप्पी होली, ये सारी शुभकामनाएँ, और हमारे भूपेंद्र भाई को आप जितना प्यार दे रहे हैं, लाइक और सपोर्ट ऐसे ही दीजिएगा, बहुत प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों, चैनल में पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भाई भी यही बोल रहा है। तो देखते हैं कि दूध डेयरी हमारी खुली हुई है कि नहीं खुली हुई है, वहीं जाके पता चलेगा। बाकी देश भर में तो आज होली की ही धूम है। तो दोस्तों, सुबह का माहौल है, मैं पहुँच चुका हूँ रोड पर, और व्यूज़ देखिए, सुबह से ही कोहरा एकदम धुंध आने लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे दूर कहीं जंगलों में आग लगी हुई हो बाहर को। तो हो सकता है, पता नहीं किस प्रकार, जिस प्रकार से भी ये मौसम बन रहा है आजकल, अभी तो विजिबिलिटी देखिए धीरे धीरे धुंध आने लगी है, शाम तक पूरा कोहरा छा जा रहा है, कुछ भी दिखाई देना बंद हो जा रहा है। तो इस प्रकार का माहौल बना हुआ है, एक दो बारिशें चाहिए मौसम क्लियर होने में। जो मौसम अक्टूबर नवंबर में दिखता है, वो मौसम कभी, वो व्यूज़ कभी और समय में दिख नहीं पाते हैं। तो चलते हैं दूध डेयरी की तरफ। तो दूध डेयरी तो खुली हुई है। अरे यार, कौन सा दूध मालूम करा दे। तो फ्रेंड, मार्केट से आने के बाद मैं पहुंच जाता हूं घर पे, मार्केट से आ गया हूं। मार्केट आज खुली हुई है, हमारे यहां जो होली होगी वो कल होगी, क्योंकि यहां गांव घरों में होलियां लगती हैं, हमारे गांव में तो नहीं लगी है, दूसरे गांव में लगी हैं। तो मंदिर के हिसाब से कल यहां पे जो होली होगी कल होगी, और परसों यहाँ पर भंडारा होगा मंदिरों पर। तो मौसम धीरे धीरे देखिए बदलने लगा है, सुबह जिस प्रकार धूप थी, धूप हल्की होने लगी अभी, और मेरे पीछे देखिए गेहूँ वगैरह काफ़ी मस्त हो रखे हैं। पहुंच जाते हैं घर पे, घर के ही आज फिर काम वाम करेंगे, देखते हैं क्या होता है दिन भर। तो दोस्तों, नाश्ता वास्ता कर लिया, मैं आया हूँ खेतों की तरफ पे अपने, और अभी बादल आ गए हैं आसमान में, देखिए मौसम क्या पता, या तो ओले ओले गिरते हैं, ओलों का भी टाइम है, क्योंकि फूल वूल आ रखे हैं इस बार अच्छे खासे, तो इन दिनों ओले भी गिरते हैं, तो या तो ओले गिरते हैं या फिर बारिश होती है, पता नहीं। दो तीन दिन से मौसम काफ़ी अजीब हो रहा है, अभी भी देखिए सामने धानाचूली एरिया है, सामने दूर पहाड़ी, लेकिन वो क्लियर दिख ही नहीं पा रही। अगर मौसम साफ़ होता तो बड़ी दूर तक एकदम क्लीन व्यू देखने को मिलता है, लेकिन वो व्यू देखने को अभी नहीं मिल रहा है। बाकी ये नीचे एक पुलम का पेड़ है ये वाला, इसमें देखिए एक जगह तो हरी पत्तियाँ आ गई हैं, एक जगह पूरे वाइट फूल ही आ रखे हैं। इसमें दो प्रकार के पुलम लगते हैं, पापा ने बना रखी है इसकी कटिंग,
जो खेती काश्तकारी करते हैं यहाँ पे लोग, तो पापा ने इसकी बढ़िया कटिंग इस पर बना रखी है। इसमें दो प्रकार के आलू बुखारा आता है, एक में जिसमें देख रहे हैं हरा पत्ता वाला उसमें अलग आता है, जो वाइट फूल है वो अलग आता है, पेड़ एक ही है। देखिए तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30, हम लोग जा रहे हैं, हरीश भाई और मैं जा रहे हैं कसेले मार्केट को, वहाँ से जाएंगे एक राउंड चकोटा के लिए, क्योंकि वहाँ पे दीवार पे थोड़ा तराई वराई करनी है। आज और कल में छुट्टी है होली की सभी वर्करों को। और एक चीज़ और, गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं दोस्तों, अपनी छतों के बाहर या कहीं पर भी पक्षियों के लिए भी पानी वानी ज़रूर रखा करें, ताकि बेजुबान पक्षी भी पानी पिए और गर्मियों में उनको राहत मिले और आपको भी दुआ दे। तो पहुँचते हैं कसेले मार्केट में और उसके बाद निकलेंगे चकोटा साइड को, तो देखते हैं कितना समय लग पाता है यहाँ से वहाँ जाने में, क्योंकि वही है 15-20 मिनट का पैदल मार्ग है अपना, वहाँ से भी चकोटा भी पैदल ही जाना है, नज़दीक ही है, पास में ही है। तो चलते हैं, थोड़ा दीवार में तराई करते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ रोड पर और यहाँ पर हमारा जो रेता बजरी थी वो सारा कम्प्लीट घर पर चले गया। अब देखिए सामने में इतना थोड़ा सा रहा है, घोड़े वाले पहुँचा रहे हैं घर पर, और जो गाड़ी देख रहे हैं सामने में, गाड़ी के पास थी ईंटें, वो घर पर कम्प्लीट पहुँचा दी हैं। अब बहुत से लोग ये कह रहे थे कि क्या कितने रेटों में, तो ईंटें अलग अलग रेटों में आपको मिलती हैं, लगभग 5200 से आपकी 1000 ईंटें स्टार्ट हो जाती हैं, जो आपकी जाती हैं 7 से 8 हज़ार रुपये तक 1000 ईंटें। और रेता भी ऐसे ही आती है आपकी 82 रुपीज़ से लेके 85 रुपीज़ तक प्रति क्विंटल आता है। और आप लोगों का तो यहाँ पे आप प्लॉट लेते हैं, ऑन रोड प्लॉट लेते हैं, रोड की सुविधा हो जाती है, लेकिन हम लोगों को काफ़ी टफ रहता है पहाड़ में मकान लगाना, क्योंकि हमारे यहाँ से 15-20 मीटर दूर है रोड से घर, तो लगभग 8-9 हज़ार रुपये गाड़ी वाला लेता है। तो लगभग लगा लीजिए ईंट जो खरीदे मैंने 25,000 की ईंटें खरीदी, तो घर पहुँचते पहुँचते वो 37,000 तक पहुँच गई। तो काफ़ी ढुलान उलान हो जाता है पहाड़ों में, इसलिए काफ़ी टफ रहता है पहाड़ों में मकान लगाना। हम लोगों को तो काफ़ी मेहनत लगती है, पैसा वैसा इतना होता नहीं है, वही मेहनत करके जो भी हो गया तो उसी के सहारे ये सब चीज़ें करते हैं। तो यही था, ये सब मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो चलिए पास में कसेले मार्केट पहुंचने वाले हैं, फिर चलते हैं चकोटा पे। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं चकोटा साइड पे, अभी रोड से ऊपर वाली साइड में हूं, जो रोड से नीचे वाली हमारी साइड है उस पर करनी है हमने तराई। तो फ्रेंड मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, जो रोड से नीचे हमारी साइड देख रहे हैं, दीवार दिख रही होगी आपको, ये दीवार देखिए, इस पर हम करते हैं तराई, क्योंकि आज काम तो बंद है, दीवार बनी है, सीमेंटेड दीवार है, तो तराई ज़रूरी है उस पर। तो चलते हैं, तो तराई वराई करते हैं उसके बाद। तो है ना एक दोस्तों, पहाड़ों पे एक और शाम हो चली है और आज शाम काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, देखिए सामने का नज़ारा, बेहतरीन चाँद निकल रहा है अभी, और इतनी नज़दीक से कभी शहरों में चाँद दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता होगा, वो आप हमें कमेंट में शेयर करिएगा। देखिए एकदम नज़दीक से दिखाई दे रहा है, मज़ा आ गया व्यू में शाम के समय में, आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।